दरबार में पहुंचे और उस लड़के के बारे में बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने जब उस लड़के के गले में बंधी पट्टी को पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी सेना में सेनापति बना दिया। राजा के सैनिकों को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि एक दुबला पतला नौजवान एक ही वार में 7 को कैसे मार सकता है, यह सब झूठ है। सेना का पहले वाला सेनापति इस निर्णय से बहुत ही नाराज था, पर उस नए सेनापति से झगड़ा मोल लेने के लिए वो तैयार नहीं था कि अकेला ही 7 को मार सकता है, तो वह अकेले आदमी को यूं ही मसल कर रख देगा। उस सेनापति ने अपने सभी विश्वसनीय साथियों को बुलाया और उन सब से सलाह की कि नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। राजा की सेना के कुछ प्रमुख लोग राजा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी नाराजगी बताई। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पुराने विश्वसनीय सैनिक उस नए सेनापति के अधीन काम करना नहीं चाहते। इससे तो अच्छा है कि उस नए सेनापति को ही इस पद से हटा दे, पर उस दर्जी की बहादुरी के कारण राजा भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अपने दरबार के अन्य लोगों से सलाह ली और फिर अंत में उससे छुटकारा पाने की तरकीब निकाली। उसने नए सेनापति के पास संदेश भेजा कि वह सेनापति बनना चाहता है तो उसे अपनी बहादुरी की परीक्षा देनी होगी। इस समय उसके राज्य में 2 भयंकर राक्षस चारों ओर उत्पात मचा रहे हैं। आम जनता का जीवन दूभर हो गया है। अगर वो उन दोनों राक्षसों को मार दे तो उसका विवाह वह अपनी बेटी से कर देगा और साथ में उसे आधा राज्य भी मिलेगा। इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए वो कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जा सकता है। लड़का राजा की शर्त मांग गया और बोला, मुझे सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ही वार में 7 को खत्म कर सकता हूँ, वे तो केवल 2 ही हैं, इन 2 से मुझे कोई डर नहीं है। इतना कहकर वह तलवार लेकर राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। राजा ने कुछ सिपाही उसके पीछे भेज दिए, पर जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसने उन सिपाहियों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में घुस गया। वहां उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस सोते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के खर्राटे इतने भयंकर थे कि आसपास के जानवर भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। दर्जी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ मोटे मोटे पत्थर उठाकर अपनी जेबों में भर लिए और फिर उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे भी दोनों राक्षस सोए हुए थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने पहले एक राक्षस की छाती पर फिर दूसरे राक्षस की छाती पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर की चोट से दोनों राक्षसों की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा कि उसका साथी उसे पत्थर मार रहा है, तो दूसरे ने भी यही सोचा। पहले वाले को दूसरे पर गुस्सा आया तो उसने दूसरे साथी की नाक पर एक चूसा जमा दिया। इस पर दूसरे साथी को भी गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने साथी की नाक पर एक चूसा जमा दिया। इधर जब दोनों ने आपस में लड़ना शुरू किया तो दर्जी ने चुपके से कभी एक के सिर पर तो कभी दूसरे के सिर पर पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पत्थर खाकर दोनों ही राक्षस एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में पूरी ताकत से लड़ने लगे। दर्जी ने एक बार भारी पत्थर दोनों के सिरों पर गिराए तो उन दोनों ने आसपास के पेड़ उखाड़कर आपस में मारपीट शुरू कर दी। वो दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों मरणासन्न नहीं हो गए। जब दोनों राक्षस धरती पर गिर गए और उनमें से कोई नहीं उठा तो दर्जी पेड़ से उतरा और अपनी तलवार निकालकर उन दोनों की छाती में घोंप दी। खून से लथपथ तलवार को लेकर वह राजा के सिपाहियों के पास जा पहुंचा और बोला, मैंने उन दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया।
उन दोनों ने पेड़ उखाड़ कर मुझ पर हमले किए, पर उनकी मेरे आगे एक न चली, क्योंकि मैं तो एक साथ सात का सफाया कर सकता हूँ। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि यह कैसी लड़ाई थी जिसमें इस लड़के को कहीं भी चोट नहीं लगी। उन सिपाहियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देखने की अनुमति मांगी ताकि वे राजा को सच्ची बात बता सकें। जब सिपाही जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दोनों राक्षस मरे पड़े थे और आसपास के पेड़ भी उखड़े पड़े थे, तब उन्हें उस लड़के की बात पर विश्वास करना ही पड़ा। दर्जी ने खून से सनी तलवार राजा के पास रख दी और राजकुमारी से अपना विवाह करने और आधा राज्य देने की मांग की, पर राजा इसके लिए तैयार नहीं था। वह बोला, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहादुरी के कुछ और कारनामे दिखाने पड़ेंगे। दर्जी ने राजा की यह बात भी मान ली और राजा से दूसरा काम पूछा। राजा बोला, इस राज्य के पूरब के जंगल में एक जंगली भैंसा कहीं से घुस गया है जिसने कई आदमियों को अपने सींगों से घायल कर दिया और सब खेती नष्ट कर दी। अगर तुम उसको मार डालो तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करने की सोचूंगा। दर्जी इस काम के लिए भी झट से तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपनी चतुराई पर पूरा भरोसा था। एक बहुत मोटी रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे दूर से एक भयंकर भैंसा अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वो वहीं एक बड़े से पेड़ के सामने